अगर आपकी आयु 18 वर्ष से कम है तो कृपया आगे ना पढ़ें। अगर आप हिंसा को स्वीकार नहीं करते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। अगर आप कमजोर दिल के हैं तो इसे बिल्कुल भी। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज फिर मैं उसी जंगल में पहुंच चुका हूं जहां पे अनीता की आत्मा मुझे कंटिन्यू दिखाई दे रही है। और दोस्तों वो कोई ना कोई कष्ट में, तो आज सबसे बड़ा दिन है मेरे लिए। आज है अष्टमी, दुर्गा अष्टमी है। और आज के दिन को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि माता की शक्ति, जो मैं पूजा पाठ करके आया हूं दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरे इस जो काम करने वाला हूं उसके अंदर कहीं ना कहीं माता रानी साथ देगी। और भगवान श्री राम का आशीर्वाद तो जैसे है ही है, और साथ में एक मेरे बहुत बड़े पहुंचे हुए साधु है जो कि उन्होंने मेरे को बोला है कि भूत चुड़ैल जिन कोई भी है वो मुझसे आज तक नहीं बचे। और जैसे कि आपने देखा ही है कि मेरे साथ में आज एमके की पावर, नमस्कार दोस्तों, है मेरे साथ में। तो इस जंगल में आने के लिए मैंने बहुत जनों, जितने भी यूट्यूबर थे उनसे बात करी तो वो सब डर गए और आने के लिए उन्होंने मना कर दिया कि जितेंद्र भैया उस जंगल में हम नहीं जाएंगे। हमने बहुत अभी 3 महीने में ये केस हुआ है और हाल में ही वहाँ पे बहुत गजब गजब घटना हुई है। तो भाई ने हिम्मत करी और मेरे साथ में है। और लोकल जो पुष्कर से है, जो ये प्यारे अजय भैया है मेरे साथ में, ठीक है, तो इन्होंने हिम्मत दिखाई है कि मैं इस जंगल में चलने के लिए तैयार हूँ। और मैं देखना चाहता हूँ कि आप वीडियो रियल बनाते हो नहीं बनाते हो, क्योंकि ये हमारे सब्सक्राइबर भी है दोस्तों। तो एक बार बताओ अजय भाई, जो ये घटना है, जो मेरी प्यारी ऑडियंस को आप बताओ कि ये रियल है या नहीं है। देखो जहाँ तक हम लोगों ने सुना है, मैंने सुना है, घर वालों ने सुना है मैंने कि कुछ तो है यहाँ पे, मतलब कि लड़की चुड़ैल ऐसी कुछ बातें होती रहती है। देखा नहीं है अनीता का, अनीता का यहाँ पे एक दो के बारे में बताते हैं, दो तीन यहाँ पे है अनीता नाम की बताते हैं, कोई अलग नाम से बताते पर ज्यादा अनीता बोलते हैं अनीता के नाम से। यहाँ पर कोई शक्तियाँ है तो यहाँ पर आने से लोग डरते हैं। देखो मैं यहाँ पे आया ना तो मैंने वीडियो शूट करी ना, वो अपना काम कर रहे हैं बाबा जी, तो मैंने करी ना। तो अनीता मेरे वीडियो के अंदर मतलब कैप्चर हुई है। अच्छा, और वो आगे नहीं बढ़ पा रही है। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक हंसी की आवाज आती है, तो मुझे लग रहा है ऐसे आप हंसी की बात बोल रहे हो, हंसी की चिल्लाने की, हाँ हाँ हाँ, चूड़ी खटक ऐसे आवाज आती है। लेकिन देखा हमने, हम खुद डरते हैं आने से, हम कभी आए नहीं। आप दोस्तों आज मेरा मकसद है कि जो वीडियो के अंदर जो पीछे से हंसी की आवाज आ रही है, मेन मकसद मेरा है उस चुड़ैल या जो भी गोस्ट है या कोई इंसान है जो भी है वो सब सामने आ जाएगा, क्योंकि आज बाबा जी हमारे साथ में है और ये बहुत बड़े भोलेनाथ के भक्त भी है और इन्होंने प्रण लिया है कि भूत चुड़ैल जिन जो भी है उनको सबको सामने लिया है। बाबा जी हाँ जी चले, हाँ जी चले। क्या महसूस हो रहा आपको यहाँ आए तो, क्या लग रहा आपको, है कुछ यहाँ पे? है यहाँ पे है, पूरा जाटा है, पूरा जाटा है, पूरा जाटा ही। कितनी होगी यहाँ पे कम से कम? कम से कम उनका तो जाटा रहता है 9 का 5 का, तो 9 के ब्रूच में। तो एक बार बताओ कि आपको ऐसा लगा कि कोई आत्मा यहाँ पे है जो कष्ट में है? कष्ट में तो रहता है ना चंडाल आत्मा के बीच में, कोई सज्जन भी कष्ट में रहते हैं। वही चीज मैंने कैप्चर करी है, जो मैं मेरी जो ये वीडियो बनेगा वो मैं चाहता हूँ कि सब तक पहुंचे सज्जनों तक, क्योंकि वो एक अनीता नाम की एक है गोस्त, वो कष्ट में आ रखी है बहुत ज्यादा, उसको कोई दूसरी जो प्रेत आत्मा है ना वो जकड़ रखी है उसको। तो मुझे जैसे आपने दावा कराया कि जो भी है उसको मैं सामने लेके आ जाऊंगा, तो ये बिल्कुल सत्य पत्र से एक बार मेरे को कैमरे के सामने बोलो कि कोई भी चुड़ैल है उसको आप काबू में कर सकते हो? कर सकते हैं, कर सकते हैं, पास में बोलो, एक बार पास में कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो
देखना ये कोई भी ऐसा रोग नहीं जिसका दवा ना हो। दवा नहीं हो, सही बात है, सभी का दवा है, हर रोग का जो है दवा रहता है। तो कुछ साथ होगा तो नहीं ना हमारे साथ गलत? कोई नहीं, वो तो बाबा जी बोल रहे हैं कि मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी मतलब तकलीफ नहीं होने दूंगा मैं, और जो भी चीज है उसको काबू में करके बताऊंगा। तो जंगल में जैसे ही पूछे ना, तो इन्होंने कैमरा जब ऑफ था उन्होंने बोला कि जैसे घुसे ना हम, तो उन्होंने क्लियर बोल दिया था कि यहाँ पे प्रेतात्मा भटक रही है। तो अब आगे चलते हैं, कहाँ पे अनिता की आत्मा है और क्या है, और आज ये कोई साधना भी करने वाले हैं, तो देखते हैं आगे चल के। आओ चलिए, आप आगे आगे चलो एक बार, क्योंकि हमें थोड़ा सा क्या डर लगता है, क्योंकि वो जो दूसरे चुड़ैल है बहुत खौफनाक है। दोस्तों आप अगर इस YouTube चैनल पर नए तो इसको अब भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों ये मेहनत सिर्फ आपके लिए कर रहा हूँ और आपको दिखाने के लिए कि सही आत्माएं होती है, उनको भी मतलब परेशानी होती है। तो आज हमारा मकसद है, आज मैं अष्टमी के दिन बोलता हूँ कि अगर मैं अनिता की आत्मा को मोक्ष दिला पाऊँ तो मेरे लिए बहुत गर्व का दिन होगा आज का। बहुत बड़ा जंगल है यार, बहुत बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, खतरनाक जंगल है। साधना करना से प्रकट हो जाएगा। अच्छा, उसकी साधना करे। दोस्तों शायद आपने वो आवाज सुनी होगी और इनका ये कहना है कि साधना करने से वो सामने आ जाएगी, जो भी चुड़ैल उसको रोक रही है। चलो आगे चलो बाबा जी, चलो शुक्र को। अजय भाई एक बार बाबा जी कुछ देख रहे हैं यहाँ पे, इनको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इनको घुमा रहे हैं, सब का जाटा है, साधना से सब आ जाएंगे फैसले, साधना से ये बोल रहे सब सामने आ जाएगा इस तरह। ये किसका आ जाएगा? यार अजीब सी कोई चीज गई जैसे। इधर आ जाओ पास में, हो बाबा जी के पास में, इनसे दूर मत रहो, क्योंकि अपने को उस एरिया में लेके चल रहा है कि मुझे लग रहा है कि इनको कहीं दिख रहा है कहीं ना कहीं, और जो खतरनाक से खतरनाक जो चुड़ैल जो हस्ती है यहाँ पे उसी दिशा में ये बढ़ रहे हैं। इसी दिशा में बाबा जी? इसी दिशा में रुके हुए क्यों है ये? चलेंगे जब चलेंगे अपन। अरे चलो ना, तो ढूंढ रो, रुको जुड़े हुए बोलो ना। ये मंत्र जाप कर रहे हैं, कुछ सिर्फ कुछ बोल रहे हैं, कुछ दिक्कत तो नहीं होगी? फिर हंसी की आवाज बाबा जी, उसी की है क्या? उसी की आवाज है हंसी की। उसको साधना से ही भस्म होगा, साधना से ही होगा। ये आसपास घूम रही है हमारे, यही आवाजें कर रही है हंसी की, यही आवाज कर रही। तो ये क्या अनिता की आत्मा को मतलब जो तड़पा रही है, यही है क्या? यही है, उसके साथ में और भी है सर, और भी उसके साथ में और भी है। दोस्तों एक चीज बोलना चाह रहा हूँ, जो हंस रही है जिसको शायद हो सकता है कैमरे में कैप्चर हुई नहीं हुई, अगर हुई तो प्लीज कमेंट जरूर करें। इनका ये बोलना है कि वही हमारे आगे पीछे घूम रही है, उसके साथ में और दूसरी आत्मा भी है। तो दोस्तों बहुत खतरनाक जगह पहुंच चुके हैं हम, और प्लीज 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 आपके भाई की मेहनत और एमके की पावर जैसे मेरे साथ में आज, तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना यार, बस मैं इतना चाहता हूँ कि हमारी जान जोखिम में डाल के इस जगह आए और केवल बाबा जी के भरोसे हम आए हैं। बाबा जी आगे बढ़ो, आगे 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 बढ़ो, जितेंद्र को बहुत डर लग रहा है। आप डरो मत, मैं फिक्र रहो, इन्होंने पास में हो गया। अच्छा, पूरी दावे के साथ में कहा कि तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। एक बार देखो यार कितना खतरनाक है यहाँ पे यार, बहुत खतरनाक खतरनाक है यार। पहली बार लेकर रात में, आज मैं खुद पहली बार आया। अजय भाई जो सेफ्टी दी हुई जेब में तो पड़ी है ना? हाँ जेब में पड़ी है ना पक्का। देखो उससे दूर मत करना, नहीं तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नहीं नहीं यार, क्योंकि मैं मेरे देखो दोस्तों यार गुरुदेव की जो मेरे सेफ्टी दी हुई है वो अजय भाई के भी दी है, एमके की पावर को भी दी है, जैसे बाबा जी तो है ही है। मैंने जेब से बाहर नहीं निकालूंगा, नहीं निकालना मत बिल्कुल भी, ठीक है ना? आ जाओ भाई, दी नहीं दी हो यो न प्रचोदया स्वाहा, ओम भूर्भुव स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदया। बोलो स्वाहा।
ओम भूर भूर्वः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर भूर्वः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। पहले नींबू काटो, नींबू नींबू काटो, नींबू काटो, फिर मालूम पड़ेगा इसका आत्मा उसी ने। रुको, मेरी कसम, चुप बिल्कुल। पहले बाबा जी से बोल रहे हो, काम करने थे पहले। एमके तसली, हाँ रहने दे, दिखेगी दिखेगी वो तुझे, तू यही पे बैठा दे। आपके पास आ रही है? हाँ तो शांति रखो, मेरे को बाबा जी मत काटो, नहीं मत काटो, रुको सही। एमके बाबा जी साधना कर रहे हैं यार, मेरे को सही। नींबू काटो, नींबू काटो। ओम भूर भूर्व स्वाहा। बाबा जी नींबू लाल हो गया देवस, हाँ तो बस उसमें साथ हो जाएगा बाबा जी। जीतू भैया को आसमता, रुको जीतू भैया को आसमता। अरे मैं एम के बैग, अरे जीतू भैया एम के बैग नीचे बैग, तू कैसा ले रख जाएगी एम को, तेरे मेरे मेरे का समय बेटर है। हाथ बैठा दे, तुम्हें मार डालेगी, मंत्र चल रहे ना उधर, उसमें विश्वास करो, कोई नहीं मारेगी, कोई नहीं मारेगी। तुमने नींबू क्यों काटा? बाबा जी ने कहा मेरे को नींबू का कलर लाल हो चुका है। तुमने नींबू काटा, तुम्हें मारेगी आज। मैं कह रहा हूँ शांति रख, शांति रख, बाबा जी के मंत्र में एक मिनट एम के बैठा दे।